नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस टू फोर सेवन के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 17 फरवरी यानी के संडे, तो संडे टॉक टू में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीते जो भी एक वीक निकला है पिछला यानी के 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक की इम्पोर्टेंट जो भर्ती अपडेट्स है राजस्थान की हो चाहे ऑल ओवर इंडिया की आपको पूरी दी जाएगी। और इस एक वीक में जो भी आपके डाउट्स निकल के आए थे कमेंट्स में वो मैंने सभी ले लिया और इस वीडियो में सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जितने भी आपने थंबनेल में चीजें देखी है वो सारी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगले संडे के एपिसोड के लिए अगर आपका कोई डाउट वगैरह है किसी भी भर्ती के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि इसी वीडियो में आपका डाउट हो और मैं क्लियर कर दूं और वही चीज आप वापस पूछ लो। तो पहले वीडियो पूरा देख लेना फिर कमेंट कर देना कोई भी डाउट है, तो अगला जो भी वीडियो होगा संडे का उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि वर्तमान में आपके लिए कौन सी वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बात करें अगर राजस्थान की तो करंट में कुछ वैकेंसी चल रही है जो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। नंबर वन, केंद्रीय विद्यालय की आपकी वैकेंसी चल रही है। बीते एक या दो दिनों के अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवी के अंदर आपकी वैकेंसीज निकल के आई है। काफी सारी वैकेंसीज है, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, आप अप्लाई कर सकते हो। केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उन पे जाओ और वहां से जो भी फॉर्म वगैरह है फिलअप कर लो, जो भी क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो आपको वहां पे मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। अलग अलग पोस्ट है और मतलब ट्वेल्थ वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह अलग अलग लेवल के लिए वहां पे आपको पोस्ट मिल जाएगी। दूसरी आपकी एम्स के अंदर है, लेकिन वो उन्हीं के लिए जिनके पास पहले से जॉब है, मतलब ऑफिसर्स वैकेंसी है ये एम्स जोधपुर के अंदर, जिनके अंदर मतलब पहले से जिनके पास अच्छी खासी जॉब है वही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ज्यादा है। तो जिनके पहले से कोई जॉब वगैरह है तो वो उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि एम्स जोधपुर में ऐसे कोई वैकेंसी जा रखी है ऑफिसर्स के लिए, अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है। ये तो बात हो गई दोस्तों राजस्थान की, तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज की जिनके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान से हो चाहे वो किसी और अदर स्टेट से हो, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट कहीं से भी इनके लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर वन, एसएससी जेई के आपके फॉर्म अभी चालू है, जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया कर देना, इंजीनियरिंग की है एसएससी की है अप्लाई कर देना। इसके बाद एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 4000 से ज्यादा इसमें पोस्ट है। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको जैसे कि एसएससी जेई है, एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनकी जो डिटेल में वीडियो है मैंने पहले ही बना रखे हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है ऑल इंडिया जॉब्स करके आप में से काफी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे सेकंड चैनल का, वहां पे जाओ, सभी जो न्यू वैकेंसीज होती है उनका जो पूरा डिटेल होती है वो मैं वहां पे अपलोड कर देता हूँ। ऑल ओवर इंडिया जो वैकेंसीज होती है वो मैं वहां पे अपलोड करता हूँ, तो वो वीडियो नहीं देखा है, वो चैनल नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और वीडियो देख लो। तो बात करें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 4000 से ज्यादा यहाँ पे पोस्ट है सभी के लिए, अलग अलग फील्ड में अप्लाई करो। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हो तो एक असम राइफल में वैकेंसी आ रखी है। तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो नेशनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे स्पोर्ट्स खेलते हो, सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपके पास है तो स्पोर्ट्स कोटे के लिए अच्छी वैकेंसी है असम राइफल्स की। तो इसके बाद बात करते हैं सीआईएसएफ और बीएसएफ। सीआईएसएफ में आई हुई हेड कांस्टेबल की अभी फॉर्म चालू है, वो उसका भी वीडियो मैंने वहीं पे बना रखा है, मैं दूसरे चैनल पे जाके देख लेना। बीएसएफ ट्रेड्समैन यानी कि बीएसएफ कांस्टेबल की भी वैकेंसी आपकी आई हुई है। तो ये सारी वैकेंसी हो गई ऑल ओवर इंडिया। नंबर सेकंड पॉइंट, अपकमिंग वैकेंसीज, आने वाली वैकेंसीज कौन सी है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बात करें पहले राजस्थान की तो राजस्थान में ऐसी अभी कोई किसी की न्यूज नहीं है, ठीक है, अगर हवा में बात करनी होती तो मैं कर दूं कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई वैकेंसी अभी है नहीं। आने के चांसेस किस किस के हैं पहले वो बात कर लेते हैं, फिर ऑल ओवर इंडिया की बात कर लेंगे। राजस्थान में आने के चांसेस आप सभी को पता है पटवारी के हैं, और उसके बाद आपके एलडीसी हाईकोर्ट के हैं जिनके मैंने वीडियोस पहले ही बना रखे हैं, लेकिन वो अभी तक आई नहीं, उसके कोई एग्जैक्ट डेट वगैरह नहीं है। राजस्थान पुलिस के भी है लेकिन उनकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, कभी भी आ सकती है ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बात करें अगर ऑल ओवर इंडिया की तो बहुत बड़ी वैकेंसी है आपके लिए रेलवे की तरफ से, 1,30,000 आपकी वहां पे पोस्ट निकल के आ रही है, 28 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनका भी वीडियो मैंने बना रखा है मेरे सेकंड चैनल पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1,30,000 वहां पे आपके लिए पोस्ट निकल के आई है। किस किस वैकेंसी के मतलब किस किस में है जो फील्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर है आपके एनटीपीसी की पोस्ट है, पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है और ग्रुप डी की यहाँ पे आपके पोस्ट निकल के आएगी। 28 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इनके अंदर वैकेंसीज काफी सारी है एनटीपीसी के अंदर, जैसे कि आपके स्टेशन मास्टर वगैरह हुआ, क्लर्क हुआ, टाइपिस्ट हुआ, गुड्स गार्ड हुआ, इन सभी की वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर की, लैब असिस्टेंट की, सभी टाइप की आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, मिस मत करना, और उसका जो वीडियो है पूरे डिटेल में मैंने पहले ही बना रखा है मेरे दूसरे चैनल पे।
तीसरा जो हमारा आज का पॉइंट होगा वो होगा पटवारी की क्वालिफिकेशन को लेके, जो मैंने हेडलाइन में दिया है, थंबनेल में दिया है पटवारी क्वालिफिकेशन। ये आपका डाउट भी था, काफी स्टूडेंट्स का डाउट आया था और हर एक लगभग हर एक वीडियो में मैं कमेंट देखता हूँ कि सर पटवारी की क्वालिफिकेशन क्या होगी इस बार। तो पटवारी की क्वालिफिकेशन इस बार ग्रेजुएशन होगी, ये डाउट आप यहाँ पे क्लियर कर लेना, क्योंकि ये बार बार आप पूछते हो कि पटवारी की क्वालिफिकेशन इस बार क्या होने वाली है, ग्रेजुएशन होने वाली है। वैकेंसी कब तक आएगी इसका किसी को अभी तक पता नहीं है, आएगी जरूर लेकिन कब तक आएगी इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है, कोई डेट वगैरह नहीं आई है। वीडियो वगैरह बनते रहते हैं लेकिन इनका कभी अभी तक कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है कि शायद चुनाव के बाद आ जाए, अभी तो ऐसी कोई न्यूज देखने को मिली नहीं है। नंबर फोर्थ पॉइंट, अपकमिंग एग्जाम डेट्स एंड रिजल्ट, यानी कि राजस्थान के जो अपकमिंग जो एग्जाम रिजल्ट है, कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं, कब तक आएंगे, और किसी का जो रिजल्ट बाकी है वो है, साथ में एग्जाम डेट्स, किसी के एग्जाम डेट्स भी बाकी है, वो उन सभी पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि LDC वुमेन सुपरवाइजर और टैक्स असिस्टेंट का जो आपका रिजल्ट है वो 10 मार्च तक आ जाएगा। तो काफी स्टूडेंट ने कहा था कि क्या प्रूफ है आपके पास, ऐसे कैसे बता रहे हो। तो भाई उसमें प्रूफ ये है कि BL जो जाटावल साहब है उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि लगभग 10 मार्च के आसपास तक आपका रिजल्ट आ सकता है। एग्जैक्ट डेट उन्होंने भी नहीं दी है कि 10 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है, 10 मार्च तक घोषित करने की बात है। तो ये तो बात हो गई रिजल्ट की। एक आपके हेल्पर टू का भी रिजल्ट आप बार बार पूछते हो, तो हेल्पर टू की अभी ऐसी कोई डेट नहीं है। देखो आने को 2-4 दिनों में आ जाए रिजल्ट, लेकिन डेट वगैरह कुछ ऐसी कुछ कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ कंफर्म होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो बना के अलग से। नेक्स्ट, कुछ आपकी एग्जाम डेट्स बाकी है, जैसे कि स्टेनोग्राफर हुआ, लाइब्रेरियन यानी कि आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष, इनकी जो एग्जाम डेट्स है वो भी बाकी है। तो सुनने में ऐसा ही आया था कि जल्द आने वाली है, एग्जैक्ट डेट इनकी भी कुछ भी नहीं आई हुई है, ऐसा नहीं है कि अभी आ सकती है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिनकी जो फिक्स होती है ना उनका तो लगभग पता होता है कि 10 या 15 दिनों में आने वाली है। अब ऐसी जो चीज होती है जिनका कोई अनुमान नहीं होता, उनका आने में 5 दिन के अंदर अंदर आ जाए और आने को लग जाए 5 महीने भी, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो इनकी अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, डेट जैसे ही आएगी मैं बता दूंगा। और कुछ जो आपके फॉर्म पोस्टपोन्ड हुए थे, जैसे कि कुछ वैकेंसीज पोस्टपोन्ड हुई थी, 3 वैकेंसीज इस महीने पोस्टपोन्ड हो गई थी RSM SSB की तरफ से, किन्हीं कारणों की वजह से पोस्टपोन्ड करना पड़ा था, तो वो कब तक होगी उनका भी जल्दी आने को है, ऐसा जल्दी आने की न्यूज देखने को मिली है लेकिन एग्जैक्ट डेट उनकी भी अभी तक नहीं पता है। सिर्फ रिजल्ट का कह सकते हैं कि 10 मार्च के आसपास आपके वो जो 3 वैकेंसीज है, LDC है, वुमेन सुपरवाइजर है और टैक्स असिस्टेंट है, उनका रिजल्ट लगभग 10 मार्च के आसपास आपका आ सकता है। बात करते हैं और जैसे RPSC की, RPSC ने तो अपनी एग्जाम डेट्स निकाल दी है, कैलेंडर उन्होंने निकाल दिया, अपना टाइम टेबल बताई दिया है, जून से उनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपका RS मेंस का ही है, तो RPSC ने तो सारी की सारी निकाल ही दी है। एक आपका डाउट ये भी था कि इन्वेस्टिगेटर अन्वेषक बेस्ट बुक्स वगैरह आपने पूछी थी, तो उसका जल्दी वीडियो आने वाला है, ठीक है। अन्वेषक की बेस्ट बुक्स बताऊंगा और किसी और अदर की बेस्ट बुक पता आपको जाननी है तो कमेंट कर सकते हो, और कोई डाउट है तो अगले संडे के लिए आपका कोई अगर और डाउट है तो यहाँ पे वीडियो में कमेंट कर देना। तो इस वीक की जितनी भी भर्ती संबंधित जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है, आपके डाउट्स भी यहाँ पे मैंने सारे ले लिए और क्लियर कर दिए, जो भी मेरे पास न्यूज थी मैंने आपको बता दी है। न्यूज वगैरह ऐसे ही बताता रहूंगा, कमेंट कर देना आपकी जो भी अदर डाउट्स है वो अगले वीडियो में ले लिए जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।